Hello friends, welcome to Educational Hacks. Today we are going to start chapter 16 of class 7th, What are our precious resources? ये हमारे लिए बहुत ही important chapter है guys. और देखो कुछ limited resources होते हैं हमारे natural resources में, कुछ unlimited natural resources होते हैं. अब limited natural resources में हमारे water आ जाएंगे, oil आ जाएंगे, coal आ जाएंगे, और अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज में एयर है, सनलाइट है, और बहुत सारे ऐसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, और भी अगर हम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज देखें, गैस है, मेटल है, स्टोन है, तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लेकिन उसमें वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वाटर स्कार्सिटी आजकल देखो एक चिंता बन के आ रहा है हमारे लिए. हमारे ही देश में अगर देख लो ना, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, चंडीगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और वो जो सेवन सिस्टर्स हैं, यानी कि जो हमारी ईस्ट इंडिया है, वहाँ पे यहाँ सब पानी की कितनी ज़्यादा कमी है. और बड़े शहरों में तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. तो आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे. और आप लोग जो ये क्लास 7 साइंस का सीरीज़ चल रहा है, इसमें आप लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, रेगुलर रहें, और जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें. इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर. अगर आपके पास वाटर है तभी आप फ्यूचर के बारे में थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं. जल है तो कल है. अब चलिए हम PDF देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. यू आर परहैप्स अवेयर दैट 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन पर आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, आप पोस्टर बनाते हो. अ स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इन्वाइटेड पोस्टर्स फ्रॉम द चिल्ड्रेन ऑफ योर एज ग्रुप. जो आपके कलीग होते हैं, आपके साथ के बच्चे होते हैं, वो सब देखो पोस्टर बना के ले जाते हैं. और उसमें से सम ऑफ द पोस्टर्स प्रेजेंटेड ऑन दैट डे, जो कि ये दिखाया गया है, सब पोस्टर तो बनाते हैं. सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स, यू कैन सेव वाटर, बट फॉलो बहुत ही रेयर बच्चे करते हैं, है ना. हमें फॉलो करना चाहिए. अभी हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कितनी स्कार्सिटी है, अभी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. अब ये मैसेज हमें क्या देता है? व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दीज पोस्टर्स? इन पोस्टर्स से आप क्या मैसेज पाते हो, उसको ऑब्जर्व करो. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक और उसको डिस्कस करो अपने क्लास में. हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट योर होम और एट स्कूल? क्या आपने कभी शॉर्टेज देखा है वाटर का? योर पेरेंट्स और जो आपके टीचर होते हैं, वो आपको हमेशा एडवाइस करते हैं ना. टीचर मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर. हमारे बड़े और टीचर ये सब हमें कहते रहते हैं कि वाटर को वेस्ट ना करो. नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. वाटर को कैसे हम कंजर्व करें, कैसे हम उसे बचा कर रखें, ये अवेयरनेस जो है हमारा वाटर डे पे हर साल जो है बच्चों को बताया जाता है. और ये वाटर डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन जो है हम सबका अटेंशन भी लेते हैं कि हमें कैसे कंजर्व करना. द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाई UN फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज अ मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर डे. अब बताओ जो UN है, यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने ये रिकमेंड किया है, ये कहा है लोगों को कि आपको एक दिन में 50 लीटर हर इंसान को चाहिए यूज़ करना. लेकिन यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ होते हैं या फिर जो छोटी सिटीज़ होती हैं जहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है, वहाँ पे 50 लीटर बच्चे नहा ही डालते हैं. तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है. तो UN ने जो रिकमेंड किया है उसे हमें फॉलो करना चाहिए और हमें 50 लीटर पर पर्सन यूज़ करना चाहिए वाटर को. दिस अमाउंट इज़ अबाउट टू हाफ, मतलब आप 2.5 बकेट पानी मान सकते हैं, 2.5 बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे. अभी मैंने बताया. इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? क्या आपकी फैमिली पाती है? अगर पाती है, यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर. अगर आप पाते हो तो आप अपने आप को लकी मानो, क्योंकि अपने ही देश में जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें लोग इनफ पानी नहीं पाते हैं. अभी बड़े बड़े सिटीज़ में आप चले जाओ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ सब चले जाओ, पानी की कितनी ज़्यादा स्कार्सिटी रहती है. यहाँ तक कि कई शहरों में हमें कपड़े धुलने और खाना बनाने और बर्तन धुलने सब चीज़ों के लिए पानी को ख़रीदना पड़ता है, और कई शहरों में पीने के लिए ख़रीदना पड़ता है. और जैसे मैंने बताया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगह पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी रहती है. अगर आपके घर में आप 50 लीटर पानी पर पर्सन भी पाते हो तो आप अपने आप को लकी मानिए. ओके,
अब हम आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है इस चैप्टर में। आगे कह रहा है कि वॉट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली, शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद देम। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करो। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे वाटर जो है, वाटर की कमी है, शॉर्टेज है वाटर की, का टैप्स रनिंग ड्राई, नल सूखे पड़े होते हैं और बहुत लंबी लाइन लगी होती है पानी के लिए, फाइट्स होते हैं, मार्चेस निकलते हैं एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के टाइम पे वाटर के ज़्यादा कंजम्पशन होते हैं, ज़्यादा यूजेस होते हैं, इस वजह से कई बारी मार्चेस निकाला जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है पानी की डिमांड को लेकर के। और क्या होता है कि सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शोन, हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर के जो क्लिप्स होते हैं उसमें हम देखते हैं और वो क्लियरली इंडिकेट द मैसेज, दिस मैसेज इज इट नॉट ट्रू दैट वी फेस अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या आपको लगता है कि शॉर्टेज है वाटर का कि नहीं, आप बताओ पहले। अगर आप शॉर्टेज ऑफ वाटर फील किए होगे तो आप वाटर को बहुत वाइजली कंज्यूम करते होगे। ये देखो कैसे लॉन्ग क्यू पे लोग खड़े हैं पानी को लेने के लिए, यहीं पे फाइट हो जाता है इन लोगों का, किसी को पानी कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, तो इतनी ज़्यादा फाइट है वो भी पानी के लिए। तो आप समझ सकते हैं पानी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर आपके यहाँ आपको पर्याप्त मात्रा में वाटर मिलता है तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट दैट वाटर, ओके। अब 16.1 एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है क्लिपिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑन द न्यूज़ आइटम्स। जो भी जहाँ से भी आपको क्लिप मिले आप उसको कलेक्ट करो आर्टिकल से, और पिक्चर्स कलेक्ट करो रिलेटेड टू वाटर शॉर्टेज, जो वाटर की कमी को दिखाता है, और उसको क्या करो, पेस्ट करो अपने स्क्रैप बुक में और शेयर करो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, योर कलीग, सबके साथ उसको शेयर करो। लिस्ट सम प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल एंड डिस्कस देम इन द क्लास। और जो लोगों ने फेस किया है इस प्रॉब्लम को उसको क्लास में आप डिस्कस करो और लोगों को अवेयर भी करो जो चीज़ें आपको पता है। अब देखो, वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये हमारे देश में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में बहुत चिंता का विषय है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, ऐसा मतलब माना जा रहा है कि आज से कुछ दिनों बाद क्या होगा, वाटर जो है, अभी देखो ये जो मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, अभी मैंने बताया कि वहाँ सब पे कितनी सारी क्लिपिंग ऐसी होती हैं जिसमें हमें जो है वो प्रॉब्लम को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, फिर अगर हमें मिल रहा है तो हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, ईयर 2003 वाज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो 2003 में ये इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था फ्रेश वाटर, पानी का जो ये कमी आ जा रहा था, ड्विंडलिंग यानी कि कम होना, जो पानी कम हो जा रहा है उसको लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए 2003 में ऑब्जर्व किया गया था उस दिन को, कि इंटरनेशनल लेवल पे, समझ रहे हो, इस जो पानी में इतना कमी आ रहा था फ्रेश वाटर में। अभी हम देखेंगे कितना यूजेबल है, कितना फ्रेश वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, कितना नहीं यूज़ कर सकते हैं, अभी हम उसको परसेंटेज में भी देखेंगे। तो जो ये ड्विंडलिंग हो रहा था नेचुरल रिसोर्स, जो कमी हो रही थी इसमें, इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे उसको जो है एक डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। जैसे हर दिन देखो हमारे यहाँ पे भी होते रहते हैं ना ऐसे इंटरनेशनल ईयर, हमें सेलिब्रेट करते हैं हम। अब देखो, मोर देन 1/3 ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड कुड फेस वाटर स्कार्सिटी। अब 1/3 यानी कि 33.33% लोग जो है वो इस प्रॉब्लम को, वाटर की कमी को फेस कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, यानी कि अगर 100 पीपल हैं तो उसमें से 33 से 34% जो हैं वो पानी की कमी को फेस कर रहे हैं। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज़ गेटिंग स्केयर, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन आवर प्लानट। हमारे प्लानट पे कितना वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, कितने परसेंट वाटर, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल, कितने वाटर, कितने परसेंट वाटर अवेलेबल हैं, तो पहले हम इसको देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस। अब ये देखो, स्पेस से इस अर्थ की फोटो को लिया गया, जैसे कि आपको पता है कि कई सारे प्लानट हैं, ठीक है। अब ये ब्लू क्यों दिख रहा है, अब आप पक्का ही आपको पता चल गया होगा कि ये ब्लू इस वजह से दिख रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। अब आप सोचोगे इतना पानी है तो फिर पानी की क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आप अवेयर नहीं हो। आप देखो, यू आर अवेयर दैट
कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लगभग 71% वाटर जो है, 71% वाटर है हमारे अर्थ पे, ठीक है, इतना ज़्यादा वाटर है. लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज. इस लाइन को अब ध्यान से देखना, वो जो है सीज में होते हैं, ओशंस में होते हैं, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये जो 71% वाटर आपको दिख रहा है ये सीज में होते हैं, समुद्र में होते हैं, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स यहाँ सब पे होते हैं. अब हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन डायरेक्टली. अब इसमें से ज़्यादातर वाटर ऐसे होते हैं जिसको ह्यूमन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है. तो इसके पीछे क्या है, अब रीज़न देखो, आप एक एक्टिविटी अभी आप परफॉर्म करोगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा. दैट इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़ में, जो हम यूज़ करते हैं वाटर, ह्यूमन जो भी यूज़ करता है वो फ्रेश वाटर होता है. अब फ्रेश वाटर में भी कई टाइप के होते हैं, कुछ तो आइस के रूप में होंगे, कुछ तुम्हारे जो है ग्राउंड वाटर में होंगे, तो हम डायरेक्टली उसे इंसान नहीं यूज़ कर सकता है. अब देखो आप क्या करोगे, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेट आप रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्सेज. अब आप ये एक्टिविटी जब परफॉर्म करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम किस तरह से यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ अस अज्यूम वाटर इज़ टू बी अ लिमिटलेस रिसोर्स. हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि वाटर को हम जितना मर्जी उतना यूज़ कर सके, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ये लिमिटलेस नहीं है. लेकिन फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन नाउ अंडरस्टैंड. अब आपको क्या करना है, आपको एक मीडियम साइज़ का बकेट लेना है, फिल इट अप और इसको वाटर से फिल कर देना है. इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर ऑफ वाटर. ये जो है लगभग 20 लीटर ऑफ वाटर इसमें आप लो, इतना बड़ा बकेट है जिसमें 20 लीटर पानी आपका आ जाए. अब उसमें क्या करना है, टेक अ टीस्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफ़र 100 स्पून्स. आपको 100 स्पून वाटर को एक उस बकेट से आपको स्मॉल कंटेनर में डालना है, लाइक अ बाथ मग, जिससे आप नहाते हो, मग जो होता है उसमें डालो. और थर्ड फिर क्या करना है आपको, फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफ़र 30 स्पून ऑफ वाटर टू अ ग्लास टम्बलर. उसमें से आपको 30 स्पून जो है इस ग्लास में डाल देना है. और उसके बाद फाइनली टेक आउट ऑफ क्वार्टर, यानी कि 1/4 स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस मग. अब आप इस ग्लास से भी 1/4 ये स्पून से आप निकालोगे वाटर. अब इससे आप क्या समझ रहे हो, देखो जो ये फर्स्ट, अज्यूम कर लो कि ये जो बाल्टी में आप पानी रखे हो ये पूरा है. अज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ये समझ लो पूरा जितना वाटर है अर्थ पे ये पूरा का पूरा है. उसके बाद ये जो मग में आप रखे हो, दिस रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ. ये जो मग वाला है ये टोटल फ्रेश वाटर है, क्योंकि जो खारा पानी होता है जो हमारे समुद्र में होते हैं उसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते. तो ये बकेट में समझ लो कुछ समुद्र वाला भी पानी था, लेकिन ये मग में सारे फ्रेश वाटर हैं. अब जो ये ग्लास में आया, दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर. अब ये जो ग्लास में है ये हम यूज़ कर सकते हैं जो कि ग्राउंड वाटर है. अब जो ये हमारे टीस्पून में है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड. अब ये जो हमारे टीस्पून में है ये क्या है, ये जो लेक्स और रिवर्स में होते हैं वो है. अब आप ये टीस्पून वाला देख लो, ध्यान से आप इसको देख लो, अब आगे समझोगे आप क्या. द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सैलिन वाटर, जैसे अभी मैंने बताया कि वो खारा पानी है, प्रेजेंट इन द सीज, ओशंस एंड जो ग्राउंड में भी है साथ साथ वो भी है उसमें. दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, वो वाटर ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है. एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट्स द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्मिंग ग्लेशियर्स. जो आपको मग में दिखा वो तो फ्रेश वाटर था, लेकिन वो जो है वो कुछ फ्रीज हैं, फ्रोजन फॉर्म में है, यानी कि बर्फ के रूप में है, जो कि ग्लेशियर में है, आइस कैप्स में है और परमानेंट स्नो है. अगेन नॉट अवेलेबल रीडली, जिसको हम वो हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल नहीं है. अब बूझो वंडर हो जाता है अबाउट द अलार्मिंग स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज़. वो मतलब सोचता है कि कितना अलार्मिंग सिचुएशन है, कि वाटर की कितनी कमी है, कितनी स्कार्सिटी है, हमारे यूज़ के लिए इतना कम पानी बचता है. तो पहली जो है वो क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज़ रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ. अब सोचो
0.006% का मतलब है 1 लाख ग्लास वाटर आपके पास है, जिसमें से आप सिर्फ 6 ग्लास ऑफ वाटर को यूज़ कर सकते हो, जो कि यूजेबल फॉर्म में है डायरेक्ट, जिसे ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है। तो कितना अलार्मिंग सिचुएशन है, आप खुद सोचो। अब आप क्या करोगे? डज द फाइंडिंग वरी यू? क्या ये आपको चिंता का, मतलब वाकई ये तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। अब इसको अपनी क्लास में डिस्कस करो, अपनी फैमिली से डिस्कस करो, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। अब हम देखते हैं कि किन किन फॉर्म में वाटर होते हैं हमारे अर्थ पे। आर यू अफ्रेड दैट कंटिन्यूअस यूज़ विल समडे एग्जॉस्ट ऑल द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़? आपको ये कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा कि अगर इसी तरह इससे चलता रहा तो आप डर गए होंगे कि कभी ना कभी तो पानी ख़त्म ही हो जाएगा, एकदम ही बिल्कुल अवेलेबल नहीं, क्या नहीं बचेगा, बिल्कुल भी अवेलेबल। आप सोच भी रहोगे, डर भी रहोगे। अब देखो, यू नो दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाई वेरियस प्रोसेस विच मेक द वाटर साइकिल। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कि जो इतने सालों से ऐसे चला आ रहा है ये क्यों मेंटेन होता है? बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल होता है जिसकी वजह से, अभी हम बताएंगे किस तरह से वाटर साइकिल कैसे इवोपरेट हो जाता है, फिर कंडेंसेशन हो जाता है, फिर रेन हो जाता है, फिर इस तरह से वाटर साइकिल जो चलता है, इसी की वजह से मिलियंस ईयर्स अगो से ये चीज़ें, प्रोसेस जो है ये मेंटेन कर रहा है वाटर साइकिल। ठीक है, अब आपने, यू हैव स्टडीड इन वाटर साइकिल क्लास 6 में आपने देखा ही होगा। अब इसको अपने वर्ड में आप लिखो, व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल। आप क्या जानते हो वाटर साइकिल के बारे में? यू नो दैट व्हेन वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द वाटर साइकिल इट कैन बी फॉर्म्ड, ये क्या 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। जब वाटर साइकिल जो है, वाटर साइकिल में वाटर जब सर्कुलेट करते हैं तो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसा कि आपको पता होगा, एट एनी गिवन टाइम, कभी भी आप समवेयर ऑन द अर्थ कभी भी देख लो तो वाटर जो है हमारे, द सॉलिड फॉर्म और स्नो एंड आइस इज रिप्रेजेंट द, अब देखो सॉलिड फॉर्म में हमारे क्या क्या अवेलेबल होते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो होते हैं स्नो एंड आइस, इट इज रिप्रेजेंट एज द आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, और स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है वो हमारे स्नो के फॉर्म में होते हैं, और हमारे जो कि माउंटेन को कवर किए रहते हैं, ग्लेशियर्स को कवर किए रहते हैं। अब लिक्विड फॉर्म में कहाँ होते हैं? लिक्विड वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। अब गैसियस फॉर्म में आ जाओ, इज़ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। देखो, जो गैसियस फॉर्म में होते हैं वाटर वेपर आपने देखा होगा, और हमारे एटमॉस्फेयर में भी रहते हैं। ठीक है, द कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमंग द 3 फॉर्म कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट। ठीक है, इवन वेन द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग इट। ये जो वर्ल्ड पे जितने भी वाटर अवेलेबल हैं इन्हीं 3 फॉर्म में अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में। डज इट गिव यू एनी रिलीफ? क्या आपको ये जान करके कि कैसे वाटर साइकिल होता है, कैसे मेंटेन होती हैं वाटर साइकिल, जिस वजह से कमी नहीं आएगी, तो आपको क्या कुछ भी थोड़ा सा रिलीफ मिला कि नहीं? कैन यू रिकॉल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन वाटर साइकिल? क्या आपको याद है पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि कौन कौन से वाटर साइकिल के प्रोसेस होते हैं? अब हम एक एक्टिविटी 16.3 देखेंगे, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल, जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और ये दे आर लेबल्ड बाई नंबर्स के थ्रू लेबल किया गया है इसमें, और आपको बताना है मैच दिस नंबर्स विद द प्रोसेस गिवन इन द जंबल्ड फॉर्म। जंबल्ड फॉर्म में दिया है, पहले तो आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इधर दिया है, मैं आपको प्रोसेस बता दे रही हूँ, और जंबल से आप नॉर्मल फॉर्म में आप खुद कन्वर्ट करना। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिएगा, फिर से आपका हेल्प किया जाएगा। अब देखो, पहले क्या होता है, पहले तो मैंने भी आपको प्रोसेस बता ही दिया था, अभी आपको वर्ड आगे आएगा एक ग्राउंड वाटर, जिसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। पहले ठीक है, इनफिल्ट्रेशन इसमें से होगा, फिर वो धीरे धीरे पानी पहले ग्राउंड वाटर में जाएगा, यानी कि इनफिल्टर होगा, उसके बाद वो इवोपरेशन होगा, भाप के फॉर्म में ऊपर जाएगा, फिर कंडेंसेशन होगा, यानी कि क्लाउड बनाएगा वो, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, यानी रेन के थ्रू फिर से वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू फिर से ज़मीन पे आएगा, फिर से इनफिल्ट्रेशन होगा, फिर इवोपरेशन होगा, फिर से कंडेंसेशन होगा, फिर से प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, अब आप इसमें 7ों को फिट करिएगा, पहले जंबल्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ओके, अब देखो, जो वाटर होते हैं हमारे, द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक्स, रिवर्स। अब देखो, कुछ जगह पे क्या होते हैं ना,
इंसान खुद जो है, हमारे घर में क्या है, हम नल को ऑन करते हैं, टैप को ऑन करते हैं, पानी आ जाता है, ठीक है, पाइप के थ्रू पानी कहीं से ना आ जाता है, हमारे ग्राउंड वाटर से, चाहे चाहे कनेक्टिविटी जहाँ से भी नेटवर्किंग हो पाइप का, वहाँ से आ जाता है। लेकिन कुछ जगह पे पीपल खुद लाते हैं, वो उनके पास जो लेक्स होते हैं उनके गांव के आसपास, या फिर रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ से वो खुद लाते हैं। द वाटर इज़ सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, पाइप के थ्रू। अभी मैंने बताया ना कि पानी आता है घरों घरों तक जाता है, लेकिन बहुत सारे विलेजेस ऐसे होते हैं, मेनी विलेजेस डू नॉट हैव सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम, उनके पास वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता है। देयर पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज, वहाँ पे पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो खुद ही बेचारे लाते हैं पानी, इतना दूर से कितना स्ट्रगल करके वो खुद पानी लाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ऑफन पीपल एंड इवन चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे भी लाते हैं, हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर्स टू फेच वाटर, पानी को लाने के लिए बहुत किलोमीटर दूर तक जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पानी हमारे लिए, वाटर हमारे लिए कितना प्रॉब्लम कर रहा है, आप देख रहे हो इस चैप्टर में, अभी धीरे धीरे आप समझोगे। और चिल्ड्रन बेचारे इतना सफ़र करते हैं, दे कैन नॉट अटेंड द स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फिचिंग वाटर। सोचो ये कितना, कि बेचारे स्कूल नहीं जा पाते हैं पानी लाने के चक्कर में। हम आपको पानी वेस्ट नहीं करना है आज के बाद से। अब वुमन हैव टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, इफ़ दे हैव ऑल्सो स्पेंड टाइम टू फिच वाटर, इट एड्स टू देयर बर्डन। ये बर्डन ही तो है, इतना सारा काम औरतों को खुद ही घर में करना रहता है, अगर उनका पानी लाने का काम भी बढ़ जाएगा तो उनको ये एक अलग से एक्स्ट्रा बर्डन है उनके पास, ठीक है, औरतों के ऊपर। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर, वो कहाँ से लाते हैं पानी को, वेल से लाते हैं, ट्यूबवेल से लाते हैं, और हैंडपम्प से लाते हैं। एक बारी तो मैंने भी कुएं से पानी निकाला था, वो बहुत डेंजरस लग रहा था, डर भी लग रहा था, लेकिन बस शौक में निकाला था। तो आप लोगों अगर कहीं से पानी निकाला है कभी कुएं से, तो आप बताइएगा, और अकेले कभी मत जाइएगा, अपने पेरेंट्स के साथ जाइएगा। तो हम मतलब बहुत सारे पीपल जो होते हैं वेल से लाते हैं, ट्यूबवेल से लाते हैं, और नल से चलाते हैं, हैंडपम्प जो होता है। From where do these sources get water? अब जो ये sources हैं ये कहाँ से पानी को पाते हैं, तो इसमें बहुत important role अभी play करेगा ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, इफ़ यू लाइक दिस सेशन तो प्लीज़ शेयर करो इसे। थैंक यू।